लाइट कैमरा एक्शन, इन तीन शब्दों से फिल्म बनना शुरू तो हो जाती है, लेकिन उसे व्यूअर तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है मूवी थिएटर्स की, जिसके लिए हम आ चुके हैं पीवीआर सिनेमाज। मूवी देखने नहीं आए हैं, लेकिन मूवी दिखाई कैसे जाती है, व्हाट इज द टेक दैट गोज बिहाइंड इट, व्हाट हैपेंस इन अ प्रोजेक्शन रूम एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट दैट आर यूज्ड बाय दीज थिएटर्स, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। गाइस, आ चुके हैं हम प्रोजेक्शन रूम में, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन बूथ भी और प्रोजेक्शन बायो। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और भी डीजे से आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर से बीम निकल रही है। प्रोजेक्टर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ये जो मेरा प्रोजेक्टर है, बेसिकली लाइट सोर्स हम लोगों का, जो आपकी मूवी होती है वो दो पार्ट में होती है, पहले लाइट देन साउंड। सो ये जो प्रोजेक्टर है, ये बेसिकली लाइट स्क्रीन पे डालता है, जो प्रोसेस सर्वर से प्रोसेस होने के बाद इसके पास डेटा आता है, उसका लाइट पार्ट ये प्रोजेक्टर प्रोड्यूस करता है और सामने स्क्रीन के ऊपर डालता है। उसके बाद जो मेरा साउंड है वो साउंड के ऊपर चला जाता है, जो डेटा है वो साउंड का प्रोसेसर के साथ चल रहा है। ये जो मेरा प्रोजेक्टर है, ये बेसिकली बारको बेस है। बारको जो कंपनी है, बेल्जियम से बिलोंग करती है, और हम लोगों के जो इस थिएटर के अंदर प्रोजेक्टर है वो सारे 4K प्रोजेक्टर्स हैं। अंचित, ये जो आपने बताया प्रोजेक्टर के बारे में, ये प्रोजेक्टर के अंदर एक बार में कितनी मूवी स्टोर कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि मेरे स्टोरेज कितना है, मेरी जो स्टोरेज है सर्वर का वो कितना है। अब वो स्टोरेज जो है वो डिपेंड करता है, 2 TB से स्टार्ट हो जाता है और वो अप टू 8 TB तक जाता है। तो जो मेरी मूवीज हैं, मैं एक टाइम में अपने सर्वर के अंदर 6 मूवीज से लेके और 15-16 मूवी तक रख सकता हूँ। तो मतलब आप सारे शोज एक दिन के इसमें स्टोर करके रखते हैं? हाँ, हम लोगों का बेसिकली जो शेड्यूल होता है वो थर्सडे चेंज होता है, टिल नेक्स्ट फ्राइडे से लेके थर्सडे तक मूवी चलती है, तो थर्सडे को मूवी लोड होती है और वो नेक्स्ट थर्सडे तक रहती है। तो हम लोग पूरे वीक की जो मूवीज होती हैं वो उसके अंदर लोड करके रखते हैं। और अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो ये सारे प्रोजेक्टर्स जो यहाँ पर हैं, अभी लगाए हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, वो सारे 4K हैं? वो सब प्रोजेक्टर 4K हैं, और उसका जो रेजोल्यूशन है, आई थिंक आपको आइडिया होगा, वो रेजोल्यूशन है 4096x2160। ये 4K रेजोल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ 2K की, तो उसके अंदर 2048x1080 का रेजोल्यूशन होता है, जो सपोर्ट करता है। और जैसे हम बात करते हैं कि ये 2D थिएटर है या फिर ये आइस थिएटर है या फिर IMAX टेक्नोलॉजी है, इसमें अलग अलग प्रोजेक्टर्स का क्या रोल होता है? प्रोजेक्टर्स हमारे सेम होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 3D की या 2D, जैसे ये जो सिस्टम है, ये जो ऑडी है, ये 2D है, क्योंकि इसके अंदर मैं 3D मेरा इंस्टॉल नहीं है। मेरे 3D इक्विपमेंट डिफरेंट होते हैं। 3D इक्विपमेंट मैं प्रोजेक्टर के साथ इंस्टॉल करता हूँ अलग से, एंड देन उसके साथ प्रोजेक्टर सेम रहता है। अगर मैं बात करूँ कि प्रोजेक्टर अलग होना चाहिए, आइस के लिए भी सेम प्रोजेक्टर यूज होता है, आइस के अलग इक्विपमेंट्स यूज हो जाते हैं, ऐसे ही 3D के अंदर भी प्रोजेक्टर सेम रहता है, बस मेरी स्क्रीन डिफरेंट होती है। स्क्रीन मेरी सिल्वर आ जाती है 3D के लिए, और जो 3D सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सा 3D सिस्टम यूज कर रहा हूँ। और इसमें लैंप्स का क्या डिफरेंस होता है, क्या इसमें अलग अलग टाइप के लैंप्स बिल्ट इन होते हैं? लैंप, जैसे मेरी अगर स्क्रीन छोटी है तो मेरे लैंप स्टार्ट हो जाते हैं 2 kW से, और अप टू 6 kW आई कैन यूज। सो डिपेंड करता है कि मेरी ऑडियो की रिक्वायरमेंट कितनी है, मेरी स्क्रीन बड़ी है या छोटी है, मैं उस हिसाब से अपना लैंप इंस्टॉल करता हूँ। और लैंप के आवर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लैंप परमानेंट चलता रहेगा। वो जो लैंप है वो अगर मैं बड़ा लैंप होता है वो थोड़ा कम चलता है, और जो कम पावर का लैंप होता है वो थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि 900 आवर से लेके और हमारा 2500 आवर तक चल जाएगा। क्या प्रोजेक्टर के बारे में कुछ और ऐसा है जो आप हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं? आपने प्रोजेक्टर के बारे में पूछा, तो प्रोजेक्टर हम लोगों का जो, जैसे मैंने आपको बताया, लैंप है जो काफ़ी हीट जनरेट करते हैं, तो उसकी कूलिंग के लिए हम लोगों के पास सिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो मेरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये उसकी जो लैंप हीट जनरेट कर रहा है, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करके और प्रीमिसेस से बाहर कर देता है। देन फिर जो मेरा ये जैसे प्रोजेक्टर है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तभी आती है जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या एयर क्वालिटी ख़राब होती है। देन कूलिंग के लिए एक ये है, ऊपर से हम लोग स्प्लिट AC तो हमारे कंटिन्यू यूज होते ही हैं। फिर एयर प्योरीफायर के लिए हम लोगों के पास अलग एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, डीह्यूमिडिफायर्स लगे हुए हैं, ये आपका जो लगा हुआ है हम लोगों का, ये डीह्यूमिडिफायर्स।
कूलिंग सिस्टम के बारे में हमें पता चला, लेकिन जो बैकग्राउंड में है विच इज द साउंड सिस्टम, इसके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। क्या है ये और कैसे काम करता है? जैसे ये मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का जो डेटा है वो दो फॉर्म में निकलता है, एक लाइट के फॉर्म में जो प्रोजेक्टर पे चला जाता है, दूसरा फॉर्म साउंड के लिए होता है। तो वो साउंड हम लोगों का IMB या स्टोरेज से आउट होता है और वो स्टोरेज हम लोगों का प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है आपका Dolby 750 प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर इसके अंदर चला जाता है, इसके थ्रू भी डेटा ये डेटा को एम्पलीफायर, ये हम लोगों के जितने नीचे एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं इसमें चला जाता है चैनल वाइज, फिर ये एम्पलीफायर्स सिग्नल्स को आगे स्पीकर में हम लोगों के भेज देते हैं, वहाँ से फाइनल आउटपुट आगे लोगों को साउंड सुनाई देते हैं। बेसिकली सारे चैनल्स हैं, ये कितने चैनल्स होंगे अभी एक अराउंड एक प्रोजेक्टर के लिए? अगर मैं 7.1 की बात करूँ तो उसमें हम लोगों के 8 चैनल्स होते हैं, 8 चैनल्स के अंदर हम लोगों का कुछ आप देखेंगे, अगर आप ऑडी के अंदर जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि साउंड आपको स्पीकर जो विजिबल स्पीकर हैं वो आपको साइड में दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्पीकर स्टेज के पीछे भी होते हैं जहाँ से बेसिकली मेन साउंड आती है हम लोगों के पास। 8 चैनल के अंदर 4 चैनल स्क्रीन पे हो गए और 2 चैनल लेफ्ट और राइट में हो गए और फिर 2 चैनल बैक साउंड में हो गए। दोबारा वही तूफान। क्योंकि चैनल नंबर्स हमें बताया अंशित ने 7 से 8 होते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में जो पॉपुलर है वो है Dolby Atmos, उसके चैनल्स अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्या उसमें डिफरेंस होता है? जो Dolby Atmos है ये तब बनाया गया था जब 7.1 कंप्लीट हो गया ऑल ओवर इंडिया, तो उसके बाद Dolby ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया Dolby Atmos, जैसे बहुत बड़ी ऑडी है उसके अंदर साउंड कुछ हम लोगों को कम लग रही है या उसके लिए उसमें उन्होंने एक वो निकाला जिसके अंदर वो अप टू 64 चैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका ऑडिटोरियम का साइज क्या है, आपकी ड्राइंग्स क्या बनी है, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर हम लोगों के चैनल्स बढ़ जाते हैं कुछ हम लोगों की, जैसे 8.1 के 7.1 के अंदर हम लोगों की साइड रोज थी उसमें हम लोगों की टॉप सीलिंग पे भी स्पीकर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है साउंड के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो विंडो दिख रही है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, बहुत फैसिनेटिंग सी लग रही है कि यहाँ से बीम जाता है और रिफ्लेक्ट होता है। ये है क्या, ये पोर्टेबल ग्लास है हम लोगों का। बेसिकली होता क्या है कि अंदर प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन के अंदर बहुत साउंड होता है जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर सकता है, इस वजह से हम लोगों ने पोर्टेबल ग्लास लगाया है यहाँ पे ताकि साउंड जो इधर की साउंड है वो अंदर डिस्टर्बेंस ना करे। उसके साथ साथ हम लोगों का ये जो ग्लास है ये ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल कोई भी ग्लास लगा सकते हैं, हम लोगों को इम्पोर्टेड ग्लास लेना पड़ता है ये। सो वो ये वो ग्लास है जिसके थ्रू हम लोगों की लाइट भी वीक नहीं होती, क्योंकि लाइट पास होती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है हम लोगों की जो लाइटिंग है, बट ये क्योंकि इम्पोर्टेड ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोगों की जो लाइटिंग है वो वीक नहीं होती है और अंदर साउंड भी नहीं जाता। जाते जाते एक ज़रूर बात करेंगे और वो है इसका प्राइस, क्या उस पर आप कॉमेंट करना चाहेंगे, क्या प्राइसिंग है इस प्रोजेक्टर की? प्रोजेक्टर की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 25-30 लाख से और डिपेंड करता है हमारा मॉडल क्या है, देन वो जाती है 1.2 CR। आई थिंक जैसे कि आपने बताया ये यहाँ पर अभी हम बारको का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन से ब्रांड्स हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं? क्रिस्टी भी है जो हम लोग PVR के अंदर अभी बेसिकली 2 ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, जो क्रिस्टी है और बारको है, आगे हम लोग और भी प्रोजेक्टर्स हैं जो मॉडल्स हैं जो यूज करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है TMS सिस्टम, क्या है ये अंशित बताएंगे? TMS बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था TMS स्टैंड्स फॉर थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम, सो हम लोगों का जो पूरा थिएटर है और उसका जो ऑडिटोरियम्स हैं वो सारा का सारा उसका पूरा सिस्टम हम लोगों का TMS से कंट्रोल होता है। TMS के थ्रू हम मूवीज लोड कर सकते हैं, शेड्यूल्स बना सकते हैं, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कि हम लोगों का कॉमर्शियल्स भी होते हैं, ट्रेलर्स भी होते हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा शेड्यूलिंग एंड प्लेबैक सब कुछ हम TMS के थ्रू प्ले कर सकते हैं फ्रॉम दिस साइड टू ऑल द ऑडिटोरियम। बेसिकली एक शेड्यूल शीट है कि कौन सी ऑडी में कौन सी मूवी प्ले होगी। यस, लाइक आई विल शो यू दैट। ये आपका जो है ये हम लोगों का स्टेटस दिखा रहा है कि ऑडी 6 के अंदर कंटेंट प्ले हो रहा है, ऑडी 7 में कंटेंट प्ले हो रहा है, ऑडी 8, 9 ये स्टॉप है क्योंकि अगला शो भी लाइन अप है, ऐसे ही 10, 11 ये सब रनिंग में है। ऐसे ही जब भी हमारी मूवी डलती है तो उसके KDMs भी आते हैं, तो KDMs भी हम लोगों के इसी सिस्टम पे आते हैं और ये
जब इसके पास KDM आते हैं देन ये शावर कर देता है ऑटोमेटिक। KDM क्या है हमारी ऑडियंस को पहले ये बताइए। KDM इज अ इट स्टैंड्स फॉर की डिलीवरी मैसेज। इट्स अ यूनिक ID एंड ऑथराइजेशन की टू द सर्वर। इट अलाउ टू द सर्वर दैट नाउ यू कैन प्ले द कॉन्टेंट। एंड ये KDM हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से आता है क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों को परमिट कर देता है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद वो हम लोगों को KDM इशू करता है। देन हम लोगों का हर KDM का एक टाइमिंग होता है कि वो इस टाइम से उस टाइम तक ही कंटेंट प्ले करेगा, आफ्टर दैट वो कंटेंट को स्टॉप कर देता है। देन हम लोगों को रीअप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें उस मूवी को दोबारा प्ले करना है नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट शोज के लिए, हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, देन वो रीइशू करता है KDM। सो बेसिकली यू नीड अ KDM टू एक्चुअली शोकेस अ मूवी। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड ड्राइव उठाएं और अपने घर पे लेके जाएं और अपने डेस्कटॉप पे उसको चला सकें। आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरे पास मूवी है, लेकिन आप अपना मूवी का एक्सपीरियंस नहीं बता सकते क्योंकि विदाउट KDM वो मूवी चलेगी ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो डेटा आपके पास चल जाएगा, वो डेटा चलता ही केवल इन सर्वर्स के साथ है जो DCI अप्रूव्ड सर्वर है। धीरे धीरे जमाना बदला। पहले हमने देखे थे रील प्रोजेक्टर्स, फिर डिजिटल दुनिया हुई, तो हमने अभी देखा डिजिटल पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है अभी जो। लेकिन एक जगह जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी चीजें मैनुअल है वो है हार्ड ड्राइव में डेटा को लेना, उसके ऊपर KDM को लगाना और उसके बाद TMS को वहां पर शेड्यूल करना। इस प्रोसेस को भी और ज्यादा डिजिटलाइज आप करने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है? ऑलरेडी जो आपने बोला ये ऑलरेडी लाइनअप है हम लोगों का। अभी आप ये देखेंगे ये डाउनलोड बॉक्स लगा हुआ है हम लोगों का। अब जो मूवीज आ रहा है वो वाया इंटरनेट डाउनलोड हो रहा है कंप्लीट, क्योंकि अब हम लोगों ने लीज लाइन लेना शुरू कर दिया है। हम लोगों के कुछ वेंडर्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने लीज लाइन लिया हुआ है और वो लीज लाइन हम लोगों का जो पूरा मूवीज है अब वो कुछ स्क्रीन पे डाउनलोड हो रहा है वाया दैट लीज लाइन। तो अब हार्ड ड्राइव का इतना मूवमेंट नहीं है फिलहाल, कुछ स्क्रीन पे किया है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम लोग 100% अपनी सिनेमा को हार्ड ड्राइव पे करना चाहिए। और ये कितने टाइम में होने वाला है, हम कब तक देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ एक्सपेक्टेड टाइम नहीं है, बट हम लोगों का जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारी स्क्रीन पे ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हैं, रनिंग है। जैसे ही वो हमारा जो सक्सेसफुल रेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया हुआ है, जैसे वो कंप्लीट होगा देन हम उसको कंप्लीट ऑल द सिनेमास पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। So this was the tech behind projecting films onto the movie theater screens. कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। Now you guys know the drill. Like this video, give it a big fat thumbs up. Also share it with your friends and subscribe to Gadget Times. इस तरीके के इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा बॉस।